क्लियर नाउ, वंस मोर हम लोग आगे चलते हैं और वो फॉलो करेंगे एक फीडबैक के बाद क्या मेन रिक्वायर आपका आएगा, क्या आवश्यक पड़ेगा आपको, क्या जरूरत होगी आपको एग्जामिनेशन के टाइम पर, जब आप एग्जाम देने जाएंगे उस पीरियड में आपका एक पेपर कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाएगा। उसमें कुछ काइंड्स हैं जो मैंने पिछले वीडियो में डाले हैं, जो आप देख चुके हैं, और लास्ट वीडियो जो हमारा था वो रिगार्डिंग था फीडबैक से। अब हम लोग चलते हैं इस फीडबैक के बाद के वीडियो से और बोर्ड पर पहुंचे और देखें कि क्या नेक्स्ट वीडियो में है। नेक्स्ट में आप पाएंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इज अ मींस ऑफ बार, बार आप समझते हैं, बार इज अ मींस ऑफ रोकथाम, किसी चीज का जमाव, शलाखे के पीछे। कहते नहीं, आई विल सेंड यू बिहाइंड द बार, मैं आपको शलाखों के पीछे डाल दूंगा, जेल में डाल दूंगा। तो दिस इज बार मतलब रोकथाम। तो जब किसी कार्य को, जब किसी कम्युनिकेशन में कुछ बाधाएं आती हैं, उनको बार के लिए इंडिकेट किया जाता है, उसी से बैरियर्स बनता है। आई होप दैट यू गॉट। अब आप चलते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स जो है वो क्या होते हैं, ये आपको जानना है। ठीक है, अलग अलग राइटर, अलग अलग लोग अपने अपने किस्म से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बैरियर्स सामने लाते हैं। हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि 10 और 3 और 4 नहीं, बीच में उठाएं। तो हमने 5 बैरियर्स सामने लिखे हुए हैं और उनको हम अभी आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, जिसको आप समझ लें और फॉलो करें। एक छोटी सी अभी मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की भी दी है, वो डेफिनेशन आप फॉलो कर सकते हैं। आई होप दैट डेफिनेशन आप बना भी सकते हैं, चाहे तो आप कह सकते हैं द कम्युनिकेशन बैरियर्स आर दैट व्हिच आर द जस्ट बिकम अ बार टू देयर कम्युनिकेट ईच अदर, टू सेंड द मैसेज टू द सेंडर टू रिसीवर, व्हिच कम्स सम प्रॉब्लम दैट्स बिकम टू देयर कम्युनिकेशन बार, ऐसा करके लिख सकते हैं और मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप का भी बोल सकते हैं। द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स में हम फॉलो करेंगे, देयर आर द 5 काइंड which we have to follow to be in a type of communication box. This is 5, क्योंकि लिखने को तो 10, 15, 20, 25 जितने भी चाहे आप डाल सकते हैं, लेकिन 5 हमारे हिसाब से enough है, जिसमें आपको पर्याप्त नंबर मिल सकते हैं आपके एग्जाम के बाद। बट ये डिपेंड करता है कि इन काइंड्स को कितने खूबसूरती से आप बनाकर डाल सकते हैं, कितने खूबसूरती से आप समझा सकते हैं। अब जो समझाना आपका है, हम आपको उन काइंड्स को समझा देते हैं, वो फॉलो करना है। देखिए, पहला है इसमें फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स जो होते हैं, फिजिकल बैरियर्स में क्या होता है, मींस जैसे हम लोग कहीं डिस्टेंस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं दिल्ली में और दिल्ली से साउथ इंडिया में बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आपका जो है इतना डिस्टेंस है, कॉल में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, या फिजिकली बेस में आपके, मान लीजिए आप बोलने में असमर्थ हो, थोड़ा ऊंचा सुनते हो, या मान लीजिए आप थोड़ा हकलाते हो, या आप बोलते भी हो तो आपका जो थ्रो ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, आप चालू हुए फटाफट 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 बोलते चले गए एक साथ में आपने, तो होता है कुछ लोग के, 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 क्या कह रहे सर, आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपरली, तो वो जो सामने आमने सामने तो विजर इज देयर इज नो प्रॉब्लम, फेस टू फेस है वो, देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, लेकिन अगर डिस्टेंस में है तो ये प्रॉब्लम आएगी, उनको समझने में आपको दिक्कत होगी। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा आपका, आपको कैसे फॉलो करना है, तो आपको उसका उसका एक आइडिया ढूंढना है, वो हम अभी आपको लेटर ऑन बताएंगे। फिलहाल आपको ये देखना है कि जो फिजिकल कम्युनिकेशन में बैरियर्स आते हैं उसमें सबसे ज्यादा होता है कम्युनिकेशन के पीरियड में या तो हकलाना, या फिर तो तला देना, या फिर जो है फिल्मों में बोलते चले जाते हैं, मतलब हम लोग जो कुछ करें वो आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए आप इसके बाद ये कर लीजिए, लोगों से कुछ लोगों की आदत होती है, तो इन बाधाओं को फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर्स में हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है, नेक्स्ट इसमें फॉलो करेंगे सेमेंटिक बैरियर्स, जिसको लैंग्वेजेस बैरियर्स भी बोलते हैं, सेकंड मैंने लिख रखा है सेमेंटिक बैरियर्स में लैंग्वेजेस बैरियर्स को भी एड कर रखा है। लैंग्वेजेस के मीन्स ये है, मान लीजिए साउथ इंडिया आप बात कर रहे हैं,
अब आप तो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में आपको कम्युनिकेट सही तरह से समझ में नहीं आ रहा है, इवन आपका जो मैं इंग्लिश बोलूंगा तो उनकी जो इंग्लिश होगी उसका एक्सेंट भी तो वही होगा ना, उसकी इंग्लिश वाली पंजाबी है, और पंजाबी बंदा जो इंग्लिश बोलेगा तो आपको तो लगेगा जैसे पंजाबी बोल रहा है, या तमिल का बंदा इंग्लिश बोलेगा आपको लगेगा यार ये तो तमिल बोल रहा है कन्नड़ बोल रहा है, हमारे तो बाउंस कर रही है, समझ भी नहीं आ रही, इवन ही इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो आप बार बार क्या कर लेंगे, सॉरी सर प्लीज रिपीट नाउ, यू मे ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट गेटिंग, योर साउंड इज नॉट कमिंग क्लियरली, आई एम नॉट जस्ट हैविंग, ये एक्सक्यूजेस आप मारेंगे और इस एक्सक्यूजेस की वजह से आपका कम्युनिकेशन रॉन्ग हो सकता है, गलत हो सकता है, अच्छा इफेक्ट अच्छा असर आपका नहीं जा सकता है, ऐसी कंडीशन में आपकी डील ऑफ कम्युनिकेट कंपनी की वो ब्रेक कर सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ सेमेंटिक और या लैंग्वेजेस बैरिसेस। नेक्स्ट हम लोग इसमें फॉलो करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरिसेस। ऑर्गेनाइजेशनल बैरिसेस क्या होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइज करके जो बातचीत होती है, अक्सर आप देखो हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन में ले लेते हैं, हम लोग जब कॉल करते हैं आपने गौर किया होगा कि जब कॉलिंग होती है तो क्या करते हैं हम लोग कॉन्फ्रेंस में लेते हैं, तो पूरा ऑर्गेनाइज में 5 लोगों को 6 लोगों को 7 जितने भी कैंडिडेट्स उधर के रिस्पॉन्सिबल हैं कंपनी में उनको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर एक दूसरे से सबको जोड़ लिया। अब उसके बाद जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो आपकी बातचीत उनसे 4-10 लोगों में ऑर्गेनाइज हो रही है। अब उसमें बैरिसेस क्या आते हैं, उसमें तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल और डिफरेंट टाइप ऑफ द साउंड, डिफरेंट माउथ डिफरेंट वर्ड। अब भले ही आप एक ही कंपनी एक ही इश्यू पर बात कर रहे हैं लेकिन अपने अपने व्यूजेस अलग हो गए, तो वो ऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन में छोटी मोटी बाधाएं आती रहती हैं जिसको हम लोग वायरसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बोलते हैं।